इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेलगाम शहर में हाल ही खंजर गली में मस्जिद अल खिजरा का इफ्तिताही इजलास अमल में आया। एक शानदार मस्जिद एक और बेलगाम शहर की शान में इजाफा कह सकते हैं। खैर, मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान वालों की तरह के मामला, मस्जिदें तो बहुत हैं, दीनी कामों का भी रुझान बढ़ता जा रहा है। बहरहाल, हमारे साथ आज उस मस्जिद के मस्जिद अल खिजरा के ट्रस्टी जनाब मुजम्मिल डोनी साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल। ये जो मस्जिद अल खिजरा जो मस्जिद बांधी गई, शानदार मस्जिद है, सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद कि आपने जिस तरह से इसे खड़ा किया। कहा तो बहुत कम वक्त में इसे तामीर करने की बात कही जाती है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि कई सारे रुकावटें थी, कई सारा वक्त भी इसमें दरकार रहा, तो क्या तफसीलात हैं थोड़ा बताइए। गौल भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया मेरा नहीं, इस तमाम लोगों का, खंजर गली की जमात और खंजर गली के ट्रस्टीज और एन कमेटी और रहनुमा इदारा और खंजर गली के तमाम वहाँ के लोग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मस्जिद में बनाने में हमारा बहुत साथ दिया। और ये मस्जिद तकरीबन मेरे हिसाब से 1.5 साल के अंदर ये मस्जिद तैयार हुई। लॉकडाउन का अगर बीच में पीरियड आया कि 7-8 महीने का वो बंद हुआ, लेकिन उसके अलावा संडे भी, मेरे हिसाब से संडे भी काम बंद नहीं हुआ। और कभी कभार ऐसा होता था कि हर शनिवार को जब पेमेंट का दिन रहता है, हमारे यहाँ और एक साथी है और उनकी भी बहुत मेहनत है, हमारे मैनुद्दीन भाई और इकबाल भाई, वो मेरे को फ़ोन करते थे कि शनिचार का दिन है और कभी एकदम पेमेंट ये है, बल्कि सुबह सुबह फ़ोन आता था। लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम कि शाम तक कोई भी अल्लाह का बंदा 50,000 लाख रुपए ला के वो देता था। तो हर शनिवार को ऐसा होतेगा। आज अल्लाह का करम ऐसा कि मस्जिद बना के 1 लाख रुपये हमारे हाथ में है और ये मस्जिद का टोटल अमाउंट 1 करोड़ रुपए तक काम हुआ। और जैसा आप बोल रहे कि रुकावटें बहुत आई, 2000 मस्जिद अल खिजरा का ये सिलसिला चालू हुआ 2012 से। 2012 में हमने एक मस्जिद के लिए जगह देखी थी, वो जगह हमारे पास ऐसे आई कि दो भाई और दो बहन के लिटिगेशन की प्रॉपर्टी थी और वो दोनों कोर्ट में गए थे। फिर कोर्ट का फैसला ऐसा आया कि ऑक्शन करें और चारों में रकम डिवाइड करें। फिर हमने क्या सोचा, हमारे जमात के जिम्मेदारों ने कि मस्जिद की जगह मस्जिद के लिए परचेज करें, बल्कि फिर गए 58 लाख रुपए में वो सौदा हुआ और मस्जिद के ट्रस्टीज उसको ले। फिर लेकिन हमें मालूम नहीं था कि उसके अंदर एक कानून उसके अंदर ऐसा है कि अगर 60 लाख के नीचे अगर वो ज़मीन कोई भी लेता है और वो 4 में से एक भी इंटरेस्टेड है तो ज़मीन उनको जाएगी, वो हमें मालूम नहीं था। जी। फिर एक साल वो लिटिगेशन आया, फिर उनकी एक बहन ने केस डाला उसको, फिर बाद में एक साल के बाद में जो अल्लाह की मर्ज़ी वो केस हम हार गए। फिर हमारी जो अमाउंट थी, हमें अमाउंट मिली, हमारे अकाउंट में आई और हमारे एक जॉइंट अकाउंट था हमारे मस्जिद के ट्रस्टीज़ का, उसमें अमाउंट आई और 4,40,000 कुछ तो ऐसा एक इंटरेस्ट की भी अमाउंट उसमें आई। फिर हम भी वो उसके बाद में हमने हाईकोर्ट को गए, वहाँ भी एक 2-3 साल केस चला, उसमें 4-5 साल निकल गए। फिर थोड़े लोगों ने राय दी कि जब वो मस्जिद के लिए नहीं दे रहे तो ज़बरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है, तो हमने वो जगह का हम केस विड्रॉ किए। विड्रॉ करने के बाद हम सोचे कि 58 लाख रुपए जो लोगों से लिए वो लोगों को वापिस देना। फिर हम उसकी लिस्ट काटने का चालू करें, तो लिस्ट में ऐसे थोड़े नाम आए जो अल्लाह का बंदा करके बोल के नाम थे उसमें। फिर सोचने के बाद में जैसे बहुत सारे लोग की बड़ी बड़ी अमाउंट थी, सब लोगों से तो नहीं मिले, जिसका मैक्सिमम ज़्यादा रोल था, ज़्यादा अमाउंट थी, उनसे जाके मशवरा किए, तो वो क्या बोले हमें, हमने तो मस्जिद के लिए नियत करके दिए हैं, आप ये जगह छोड़ के दूसरे जगह खंजर गली में ही जगह लो। फिर एक जगह हमारा एक छोटा मदरसा था, मदरसे के आजू बाजू एक छोटी छोटी एक ज़मीन थी, 600 में एक ज़मीन थी, 12x30, 15x30 ऐसा करके बोल के टोटल ये ज़मीन हो गए
30x70 30x70 और हमें बहुत कम रेट में 30 से 35 लाख रुपए के रेंज में हमें वो मस्जिद मिली, और बाकी जो जो अमाउंट बची थी उससे हमने काम करने का शुरू किए। फिर क्या हुआ, टोटल 58 लाख रुपए ख़त्म है, लेकिन 42 लाख रुपए की ज़रूरत थी। लेकिन बेलगाम के सारे लोगों का मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें भरपूर ताउन किया, मस्जिद को ताउन किया। और एक बार बहुत सारे लोग हमें मुबारकबाद दे रहे हैं कि जैसे मस्जिद अल खिजरा बहुत आलीशान हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मस्जिद पूरी आलीशान तब होगी कि मोहल्ले के लोग और आजू बाजू में जितने भी सिटी से कनेक्ट है, जैसा बावन गली, दरबार गली, खंजर गली, भंडारशाह गली, जो भी गली आजू बाजू आती है, वो सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आए, और रमज़ान का मुबारक महीना है, और रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद में भी वहाँ इबादत करें। और हमें जो अभी मुबारकबाद दे रहे हैं वो मुबारकबाद तब पूरी होगी कि लोग वहाँ इबादत करेंगे। मस्जिदें तो बहुत हैं, और हमारी एक शुरू से एक नीयत थी कि हमारे घर से अच्छी मस्जिद बनाए। तो वहाँ हमने बहुत ध्यान रख के हर कौन सा चीज़ कहाँ ये करना, जैसे कारपेंटर का काम, पीओपी का काम, फर्नीचर का काम, टाइल्स का काम, प्लम्बरिंग का काम, या सेंट्रिंग मिस्त्री होते, एक 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 कारीगर को हमने चुन के काम दिया। और अल्लाह का करम है, आप सब लोगों की दुआ है कि बहुत अच्छा काम हुआ, और सभी बेलगाम के जितने भी मुसलमान हैं, मैं और एक बार उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये छोड़ के भी बेलगाम में जितने भी मस्जिद हैं, अभी बहुत सारे जाके मस्जिद का काम चल रहा है, जैसा उज्ज्वल नगर है, अमन नगर है, सही, वीरभद्र नगर है, और बहुत सारे जाके काम चल रहा है। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि मस्जिद को ऐसा बनाए, अपने घर से भी अच्छे मस्जिद को बनाए, कि मस्जिदें तो बहुत होती हैं, लेकिन आलीशान मस्जिद बनाना। एक कल हमारे जो जुम्मा के दिन मौलाना भी बोले कि मस्जिद जो है आलीशान से आलीशान बनाए। और इसके अलावा और भी जितने भी लोग हमें जो कलेक्शन के लिए मदद करें, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मुजम्मिल डोनी साहब, जिन्होंने पूरी दास्तान बयान की कि मस्जिद अल खिजरा किस तरह से तामीर हुई। लेकिन अल्लामा इकबाल का शेर बार बार याद आता है, शब भर में मस्जिद की तामीर की ईमान के हरारत वालों ने, पर अपना पुराना दिल अपना पुराना पापी नमाजी न बन सका। लिहाजा ये ज़रूरत है कि नमाजी वहाँ पर जाते रहे, इबादत करते, इसलिए कि मस्जिद की रूह ही इबादत है। लिहाजा ऐसा ये मस्जिदें मुसलमानों के किले हैं, मुसलमानों की पार्लियामेंट है, यहाँ पर माशरे के तमाम मसाइल पर गुफ्तगु होना ज़रूरी है। ये इमामों का काम है, इमाम खतीब का, जो है मस्जिद को लेकर माशरे की इस्लाह बनाने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं आज हमारे साथ ट्रस्ट यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से माशरे की इस्लाह होनी चाहिए, वो एक मिंबर रसूल हमारे पास मौजूद है जिससे माशरे की इस्लाह बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। हमें दिगर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, दिगर मीडिया की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए तो मस्जिदें ही सब कुछ है। लिहाजा इसका इस्तेमाल करना एक काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, लेकिन हालात जिस कदर हमें उस तरफ ले जा रहे हैं, ज़रूरत है कि हम माशरे की इस्लाह को मिंबर रसूल का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। क्योंकि बेलगाम में दिगर भी जगह पर तकरीबन 6-7 मस्जिदों के तामीर काम जारी है, लेकिन हमारी दुआ, हमारी तमन्ना यही है कि इन्हीं मस्जिदों से इनकलाब रूनुमा होते हैं, और इनकलाबी शख्सियात पैदा तब होंगे जब मिंबर रसूल से इनकलाबी बयानात होंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।